हेलो गाइस, तो आ चुके हैं स्टडी पॉइंट कोचिंग क्लासेस से। पिछले लेक्चर में हमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में समझ लिया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर दिया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे आगे के क्वेश्चंस की। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ध्यान से समझिए, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। भैया एक बिल्डिंग है, मान लेते हैं इस बिल्डिंग को हमने ए बी नाम दे दिया। एक बंदा खड़ा है, छोटा सा बच्चा जो 1.5 मीटर का, वो बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है, ठीक है, ये उसने बोल रखा है। और ये बंदे की हाइट 1.5 है, बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर है, ठीक है। अब द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, मतलब हमें दे दिया कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो ऊपर की तरफ देख रहा है टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60, मतलब जैसे जैसे वो पास जाते जा रहा है उसका जो एंगल है वो बढ़ते जा रहा है। बड़ा कैसे, 30 टू 60। तो मान लेते हैं कि ये उसकी आंख होगी, भैया आंख नीचे नहीं होती, आंख ऊपर ही होती। सबसे पहले जो उसका एंगल बन रहा होगा वो बन रहा होगा 30 डिग्री, एंड जैसे मान लेते वो इस पॉइंट पे आ गया, तो अब यहां से जो एंगल बन रहा होगा वो कितना बन रहा होगा, 60 डिग्री। सर आपने नीचे ज्वाइन क्यों नहीं किया? बच्चों ज्वाइन इसलिए नहीं किया क्योंकि उसकी आंखें ऊपर की तरफ है, मिडिल में नहीं है या नीचे नहीं है। अब हम कुछ ऐसा बना सकते हैं ताकि हमें सिर्फ उसकी आंखें देखने को मिले, ना कि उसका पूरा शरीर। अब 2 मिनट इस क्वेश्चन में हमको समझना है कि अब हमें निकालना भी क्या है और एक थोड़ा सा इसमें अमेंडमेंट भी है। तो फिर अब क्या, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब हमें यह निकालना है कि वो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, या मैं बोल सकता हूं मुझे ये निकालना है कि वो कितना डिस्टेंस ले रहा है इस पर्टिकुलर चीज को करने में, या जब उसका एंगल बढ़ा दो। अब इसको नाम दे देते हैं अपन, जैसे ये बी दिया था ना, इसको दे देते हैं बी, इसको दे देते हैं सी। अब क्वेश्चन को 2 मिनट समझिए। क्वेश्चन में बिल्डिंग की हाइट दी है 30 मीटर, बच्चे की हाइट है 1.5, बट सर उसकी आंख है तो ऊपर है, तो वो अब पूरी बिल्डिंग तो देख नहीं रहा, वो क्या देख रहा है, सिर्फ टॉप को। तो क्या बिल्डिंग की हाइट हमें 30 लेनी पड़ेगी? नहीं सर, राइट एंगल किसमें बन रहा है? राइट एंगल तो ये वाले इसमें बन रहा है ना, नीचे वाला तो आपका फोकट सा सिस्टम है। तो मुझे सबसे पहले 30 में से 1.5 माइनस करना पड़ेगा ताकि मैं क्या निकाल पाऊं, ए बी को निकाल पाऊं। तो जो ए बी होगी, जो मेरी बिल्डिंग की असली हाइट होगी, वो 30 माइनस 1.5 होगी, जो की होगी 28.5 मीटर। तो मैंने 28.5 मीटर निकाल ली। अब हम देखते हैं कि हमें निकालना क्या है। मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं सी। मैं मान रहा हूं कि मुझे सी निकालना है क्योंकि हमें बोला है कि डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अब देखते हैं करते कैसे इस क्वेश्चन को। लेट सी, काम करते हैं, सी को सी रहने देते हैं, इसमें एक्स वाला फंडा नहीं लगाएंगे। 2 मिनट समझिए बच्चों, क्वेश्चन हल्का सा टिपिकल है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पर 2 एंगल बन रहे होंगे। ये क्वेश्चन समझ गए तो आगे के क्वेश्चन खुद ब खुद हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले ये जो 60 बन रहा है, ये जो 60 एंगल बन रहा है, ये कौन से ट्राइंगल में बन रहा है? सर ये बन रहा है ए बी ई में। हाँ सर बिल्कुल, ए बी ई छोटा वाला ट्राइंगल है और जो ए बी सी है वो बड़ा वाला ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हम ए बी ई में लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ए बी ई में लगा रहे हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी मेरे पास परपेंडिकुलर है बच्चों, मुझे कहीं ना कहीं क्या निकालना है, बेस निकालना है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मेरा रहता है tan थीटा, ठीक है। तो अब अगर मैं इसमें लगाऊं tan थीटा, tan कितना, 60 डिग्री, तो tan 60 किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस EB के। tan 60 होता है √3, AB कितना है 30, EB नहीं पता। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो वो हो जाएगा EB इंटू √3 इज इक्वल्स टू 30, या EB इज इक्वल्स टू 30 अपॉन √3, √3 मल्टीप्लाई में था नीचे चले गया। इसको मैं अगर रैशनलाइज करूं तो इंटू में करूंगा √3 इंटू √3, नीचे वाले से करते हैं तो हो जाएगा 30√3 अपॉन 3 या 10√3। तो ये 10√3 मेरी क्या आई है बच्चों, EB आ गई है, ठीक है सर। EB तो हमें पता चल गया, बट सर क्या हमें EB निकालनी थी? नहीं, मुझे क्या निकालना था, सी निकालना था। अब 60 वाला तो हो गया, अब 30 वाला निकालते हैं। 30 कौन से ट्राइंगल में बन रहा है, ए बी सी में। तो मैं लिखूंगा इन
ट्राइंगल ए बी सी, मैं करूंगा 10-30, परपेंडिकुलर कितना है वापस से ए बी, बट बच्चों इस बार बेस अलग है, बेस ये पूरा है सी बी, और सी बी किससे बन रहा है सीई प्लस ई बी से, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं सीई प्लस ई बी, लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकते हो सर। 10-30 होता है 1/√3, ए बी कितना है 28, अच्छा बच्चों हमने एक गलती कर दी, सॉरी, यहां पर जो ए बी है ये 28.5 आएगा, अपन ने यहां निकाला था ना, सॉरी, तो यहां पर 28.5, ठीक है, फिर आप इसको तो 28.5 अगर अपन इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो वो आ जाएगा आपका 9.5, तो 9.5√3 आपका ई बी आएगा, तो ये थोड़ी सी गलती थी। अब ए बी कितना है मेरा यहाँ पे, अगर वापस इसमें आ जाए तो 28.5 अपॉन सी मुझे निकालना था, बच्चों ई बी मेरा आ चुका है 9.5√3, ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, इस ये डिवाइड में ये 1 के पास चला जाएगा, सेम होके मल्टीप्लाई तो सेम ही होगा, और इज इक्वल्स टू 28.5 × √3 कितना होगा 28.5√3, ये प्लस का है उधर जाके माइनस, तो सी आएगा 28.5√3 माइनस 9.5√3, तो सी आ जाएगा मेरा 19√3, और मुझे ये ही निकालना था कि वो कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो हमने निकाल लिया सी 19.19√3। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 भी कुछ इसी प्रकार है, अब आपको धीरे धीरे चीजें क्लियर होने लगेगी। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड, एक पॉइंट से ग्राउंड पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ टावर, ध्यान से समझिए, बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग, थोड़ा सा हल्का सा अलग, एक बिल्डिंग है 20 मीटर की, उसने बोला उसके ऊपर एक क्या है टावर है, क्या है बच्चों एक टावर है, तो ये जो ए बी है ये मेरा क्या हो गया टावर हो गया, और ये जो 20 मीटर है ये बिल्डिंग है। अब वापस हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ टावर, ध्यान से समझना, बॉटम टावर का ये है, और टॉप टावर का ए है, बॉटम से कितना एंगल बन रहा है 45 डिग्री, और टॉप से कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है, ये मैंने निकाल लिया। अब मुझे निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मुझे निकालना है कि जो टावर है ए बी इसकी हाइट कितनी होगी, बच्चों बहुत आसान है जल्दी समझेंगे, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं कि छोटा वाला एंगल कौन सा दिख रहा है 45, मतलब छोटे वाले ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है बी सी, अच्छा इसको भी नाम देते हैं बीसीडी, बीसीडी में आपका एंगल कितने का बन रहा है 45 का, और ये 60 किस में बन रहा है एसीडी में, तो सबसे पहले इन ट्राइंगल बीसीडी परपेंडिकुलर दिया हुआ है, मैं निकाल परपेंडिकुलर दिया हुआ है, मैं इसमें निकाल लेता हूं बेस, तो 10 P/B मतलब 10 45 = परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 45 होता है 1, परपेंडिकुलर कितना है बीसी जो कि है 20, बेस कितना है डीसी, तो डीसी की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर, मतलब मेरा बेस कितना हो चुका है 20। अब मैं बड़े वाले ट्राइंगल में लगाता हूं इन ट्राइंगल एसीडी, एसीडी के अंदर एंगल कितना बन रहा है 10 60, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 60 होता है √3, परपेंडिकुलर एडी, बस करो भाई बस करो, परपेंडिकुलर कितना होगा एसी, बच्चों एसी किससे बना हुआ है ए बी प्लस बी सी, तो ए बी तो ए बी प्लस बी सी, ये एसी जो इतना बड़ा परपेंडिकुलर, और बीसी कितना है हमारा 20, बेस कितना है हमारा डीसी जो कि हमारा कितना आया 20, ये हम निकाल चुके हैं, 20 मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा तो वो जाएगा 20√3 इज इक्वल्स टू ए बी प्लस 20, 20 प्लस का उधर जाके माइनस, 20√3 माइनस 20 इज इक्वल्स टू ए बी,
कॉमन निकाल लेते हैं 20, अंदर बचेगा रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू ए बी। और मुझे यही निकालना था कि टावर की हाइट कितनी होगी, तो वो मैंने निकाल लिया जो कि होगी ए बी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, वो इसके जैसा ही है। क्वेश्चन को 2-3 बार रीड करोगे ना बच्चों, तो खुद ब खुद क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। अब बच्चों इसमें बिल्डिंग के ऊपर टावर नहीं है। पहली बात तो सबसे पहले हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, ये मेरी बिल्डिंग हो गई ए बी, और एक हम टावर बना लेते हैं यहां की तरफ। मैं इसको मान लेता हूं ये मेरा सी डी है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। देखो बिल्डिंग का टॉप मतलब ए बी और टावर का फुट मतलब डी, तो ये रहा एंगल। कितने डिग्री का बन रहा है भैया? ये आपका बन रहा है 30 डिग्री का, तो मैं इसको बोल देता हूं ये मेरा 30 डिग्री है। इसको हम ज्वाइन भी कर देते हैं। फिर आगे बोल रहा है कि एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब अब टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट तक। तो ये एंगल कितने का बन रहा है आपका? ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, जो टावर है ये रहा, ये 50 मीटर हाई है, एंड मुझे निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। मुझे क्या निकालना है बच्चों? हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुझे टावर की हाइट दी है, टावर की हाइट दी और टावर का एंगल भी दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं जब ये चीज दी है तो एक चीज निकल जाएगी। टावर का एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। आपने बोला था ना टॉप ऑफ अ टावर और बिल्डिंग का परपेंडिकुलर है मेरे पास, और बेस, बेस क्यों निकालूंगा सर मैं? बेस इसलिए निकालूंगा ताकि इसमें काम आ जाए। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं इन ट्राइंगल सी डी बी। अब एंगल लेंगे 10, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 कितना? 60। परपेंडिकुलर कितना है? सी डी जो कि है 50, और बेस कितना है? डी बी जो नहीं दिया हुआ है। 10 60 होता है रूट 3, 50 अपॉन डी बी, तो डी बी की वैल्यू कितनी आएगी? 50 अपॉन रूट 3, तो जो मेरा बेस है वो कितना आ गया? 50 अपॉन रूट 3। अब मुझे क्या निकालना है? बिल्डिंग की हाइट। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, क्योंकि उसमें ही मेरी बिल्डिंग है, ए बी मुझे निकालना जो कि मेरा है परपेंडिकुलर। बेस मेरे पास है, ये मैंने निकाल लिया है, ये मेरा क्या है? बेस है। वापस से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस बार एंगल लगेगा 10 30, क्योंकि 10 30 एंगल बन रहा था टॉप ऑफ अ बिल्डिंग और फुट ऑफ द टावर में, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर जो कि होगा ए बी, बेस डी बी। 10 30 होता है 1 अपॉन रूट 3। ए बी कितना है मेरा? मुझे निकालना है। डी बी मेरा कितना है? 50 अपॉन रूट 3। और जब भी ऐसा होता है नीचे फ्रैक्शन होता है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल्स टू रूट 3 इंटू ए बी अपॉन 50। रूट 3 ऊपर चलेगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 50 इंटू 1 50 इज इक्वल्स टू रूट 3 इंटू रूट 3। अब आपका कितना हो जाएगा? आपका 3 और इंटू, मतलब वो 3 ए बी हो गया। हाँ, रूट 3 इंटू रूट 3 3 3 इंटू ए बी 3, और ए बी की वैल्यू हो जाएगी 50 अपॉन 3। अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 50 अपॉन 3 16.66। तो ए बी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 16.6। ये मेरी किसकी हाइट आ गई? बिल्डिंग की हाइट आ गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भैया वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग भले जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन को समझाना मेन एम है। क्वेश्चन नंबर 10 भी हम खुद ही करेंगे। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। इस क्वेश्चन का डायग्राम मैं बनाऊंगा, पर करेंगे क्या? दो पोल हैं, दोनों ही इक्वल हाइट्स के, ठीक है, दोनों ही क्या है? इक्वल हाइट्स के। अब ऑन द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, जो ये इनके बीच का रोड है ये कितना है? 80 मीटर वाइड है। ये मुझे दिया हुआ है कि ये टोटल 80 मीटर वाइड है, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी।
फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, एक पॉइंट है इनके बीच में, कह नहीं सकते कि सेंटर में, बस है पॉइंट. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30. दोनों पोल्स से एंगल कितने का बन रहा है, एक का बन रहा है 60 और दूसरे का बन रहा है 30 एंगल ऑफ एलिवेशन. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, हमें एक तो हाइट ऑफ द पोल्स निकालनी है एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, मतलब ये पॉइंट से कितना डिस्टेंस है. सबसे पहले मुझे ए बी एंड सी डी निकालना है. अब 2 मिनट के लिए इसमें एक चीज बता रहा हूं, करना आपको ही है, थोड़ा सा लॉजिक लगेगा. मुझे टोटल जो डी बी है, जो रोड है, वो 80 मीटर का है. मैं मान लेता हूं इनके बीच का जो पॉइंट है वो ई पॉइंट है. तो अब ये दोनों अलग अलग ट्राइंगल्स हैं, तो दोनों अलग अलग ट्राइंगल्स में अपने को एक चीज निकालनी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल टोटल में 80 दिया है, मान लेते हैं जैसे ये डी बी लाइन है, ठीक है, तो ये पूरी टोटल में कितनी है, 80 मीटर है और इनके बीच में एक पॉइंट है ई. ये जो डी होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक्स ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, एक्स ले लेता हूं, तो ये कितना होगा ई बी, 80 माइनस एक्स. सर ऐसा क्यों बच्चों, जो भी ये वैल्यू होगी डी की वो कितनी होगी, मतलब डी की मान लेते हैं 20 वैल्यू आई, तो वो ई बी की वैल्यू से कैसे निकालेंगे, 80 माइनस एक्स, क्योंकि पूरे रोड की वैल्यू कितनी है 80. तो मैंने इसको x ले लिया और इसको 80 माइनस एक्स ले लिया. अब आप इस ट्रायंगल में एंगल ऑफ एलिवेशन है, क्योंकि सीडी भी निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाइए, इस ट्रायंगल में भी ये लगाइए और दोनों की जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. वीडियो को पॉज करिए और ये क्वेश्चन करिए. तो अब आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, देखिए सीडी में आपने जब लगाया तो सीडी अपॉन डी किया होगा, डी जो कि हमारा एक्स था, 10:30 होता है 1/√3, तो x मल्टीप्लाई में गया तो x की वैल्यू है CD√3, उसको एज इट इज रहने देंगे. ABE में जब आपने लगाया तो 10:60 लिया होगा, जो कि होगा AB अपॉन BE, 10:60 होता है √3, AB अपॉन BE, BE हमारा कितना था 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स डिवाइड में था, √3 के पास चले गया मल्टीप्लाई में, इस इक्वल्स में बचा AB. अब इस लाइन को ध्यान समझना, x की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, CD√3, तो x की जगह मैंने CD√3 कर दिया एंड एबी की जगह मैं सीडी पुट कर सकता, क्योंकि एबी और सीडी इक्वल थे. सर कैसे, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, उन दोनों पोल्स की हाइट जो थी वो क्या थी, इक्वल थी, तो मैंने एबी की जगह सीडी लिख दिया. रूट थ्री जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो 80√3 माइनस 3 CD, √3 × √3 3 CD माइनस का उधर जाके प्लस का 4 CD, 4 नीचे आ गया तो वो आ गया 20√3, तो जो मेरे पोल की हाइट थी वो कितनी आई, 20√3, चाहे वो ए बी की हो या सी डी की हो. अब मुझे डिस्टेंस निकालना था, मैंने माना था x, x को क्या आ रहा था हमारा CD√3, सी डी कितना आया हमारा 20√3 × √3, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60, x की वैल्यू आ गई 60, मतलब ये 60 है और ये 20 है. तो कुछ ऐसे करते हैं हम क्वेश्चंस. आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे और इससे पहले कि मैं विदा लूं आपसे, क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए होमवर्क रहेगा. तो कुछ क्वेश्चंस जैसे क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 8, ये दो आपके लिए होमवर्क दिए हैं मैंने, ये दोनों करिए और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस की बात करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. राधे राधे.